खांडेघर, पूर्व महामंत्री फुलेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जयपुर जिला ग्रामीण और शेड्यूल कास्ट का कार्यकर्ता हूँ, रेगर समुदाय का। ये नहीं कि पायलट साहब के लिए गुजर जाए, गुजर नहीं, 36 कौम की बिरादरी साथ है। पायलट तुम संघर्ष करो, जनता तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। गहलोत साहब ने पायलट साहब को नकारा और निकम्मा कहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता दरबार का। मैं बताना चाहूँगा, पायलट साहब के जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो गहलोत साहब ने, वो होते ऐसे तो ये झमेला जो इतना लग रहा है जयपुर में, ये आता क्या आज? उनका प्यार सम्मान के लिए ये जनता आती है, बाड़मेर से आ रही है, कोई पाली से आ रही है। हम नगर विधानसभा से आए, भरतपुर से 250 किलोमीटर है यहाँ से दूर। तो आपको पता है पायलट साहब ने नहीं तो कभी उनके लिए गलत बोला, नहीं बोलेंगे। जो गहलोत जी ने जो बोला है, गहलोत जी ने जो बोला है जनता के सब ने सुना है, देखा है। जो आज आए हैं, जनता आई है पायलट साहब के लिए। क्यों आई है? प्यारों के लिए, प्रेम के लिए। पायलट साहब ने काम किया है, मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया है इस राजस्थान में, मरी हुई कांग्रेस को। और पायलट साहब बिना राजस्थान में कांग्रेस सरकार नष्ट है, नष्ट। एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे अगले 2028 में, मेरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। जो कार्यकर्ताओं की बढ़ास है ना अंदर की, जो हम आज सबके सामने मीडिया बंधुओं के सामने बता रहे हैं। आप कह रहे हैं 2028 में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, तो आपको 2023 में अगर कांग्रेस नहीं जीत पाएगी तो आप किसको वोट देंगे फिर? कांग्रेस अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? सचिन पायलट को। सचिन पायलट किसी भी पार्टी में रहे, पायलट साहब को हम देंगे वोट। और पायलट साहब कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, ये भी पता है हमें। उनको मजबूर कर रहे हैं, उनके लिए फेक न्यूज़ चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पायलट साहब कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में ही काम करेंगे। आला कमान को ये तय कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको कांग्रेस को दोबारा रिकवर कर दे, नहीं तो रिपीट नहीं होगी सरकार। ये तय है यहाँ राजस्थान में, सारी जनता ने देख लिया। आपको क्या लगता है अगर रिपीट नहीं होगी कितनी सीटें आएंगी राजस्थान में कांग्रेस की? फिर एक फॉर्चूनर में गाड़ी में बैठने वाले जो राजेंद्र जी गुड्डा साहब ने बताया, रणवीर सिंह गुड्डा जी, उन्होंने सब ने, तो उसी फॉर्चूनर में बैठ के जाना है। ये तय है, बैठ के जाएंगे कांग्रेस पार्टी। ये उनकी ऐसी यात्रा हो जाएगी राजस्थान में, एक सीट नहीं आएगी, एक सीट कांग्रेस की। यदि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस ने दरकिनार किया तो ये जो कह रहे हैं ना, एक बोलेरो में आएगी, बिल्कुल एक बोलेरो में ही जाएंगे। मिलजुल के अगर आते हैं, मिलजुल के अगर लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं, तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ रिपीट होगी कांग्रेस। इस अनशन के कारण तो गहलोत और पायलट जी वापस आमने सामने की टक्कर हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो भ्रमित किया जा रहा है, केवल ये केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अनशन गहलोत जी के खिलाफ नहीं है, ये वसुंधरा जी के द्वारा जो किए गए घोटाले थे, उनके द्वारा ये उनको उजागर करने के लिए, उनकी मांग करने के लिए अनशन किया जा रहा है। उनको उजागर करने जा रहा है पायलट साहब, ये कोई वो नहीं है। इनका घोटाला है जो उजागर हो, जनता जाने, जनता को भी तो पता चले 4 साल में इन्होंने मिली भगत में क्या करते हैं। ये दोनों की कंपनी बैठ जाती है एक साथ, और जनता के बीच में दिखा देते हैं हम अलग अलग पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार हैं, और शाम को एक साथ बैठ जाते हैं। तो आने वाले चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा फिर? सीएम कांग्रेस में जो आला कमान मानती है, तो पायलट साहब 200 की 200 सीटों पे ला सकते हैं, इतना दम रखते हैं पायलट साहब राजस्थान में। और राजस्थान पायलट साहब के बिना प्यासा है, प्यासा रहेगा, ये तय है। धन्यवाद।